नागपुर में नाइक झील की मरम्मत और सौंदर्यकरण का कार्य वर्तमान में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस काम के दौरान झील से मिले कछुए की काफी चर्चा हो रही है, जो शुरुआत से ही लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचता रहा है, कभी अपने बड़े आकार की वजह से तो कभी मजे से चिकन खाने की वजह से। अब इस 100 साल के चिकन के शौकीन कछुए को नागपुर के सेमिनरी हिल्स इलाके में एक ट्रांजिस्ट ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। नागपुर की फूड कल्चर में सावजी के मांसाहारी व्यंजनों का काफी महत्व है। सावजी चिकन और मटन नागपुर वासियों का पसंदीदा मेन्यू है। कई पर्यटक भी जब नागपुर आते हैं तो इन खाद्य पदार्थों की सराहना करते हैं। पर अब नागपुर में मिला ये प्राचीन कछुआ भी मांसाहारी ही निकला, जो कि चिकन खाने का दीवाना है। ये कछुआ सिर्फ चिकन ही खा रहा है, लिहाजा नागपुर में इसकी जोरदार चर्चा है। नागपुर में नाइक झील की मरम्मत और सौंदर्यकरण का कार्य वर्तमान में नगर निगम द्वारा किया जा रहा था। इसी काम के दौरान झील से गाद निकालने के दौरान एक बड़ा सा कछुआ मिला। इसके बाद ट्रांजिट टीम ने कछुए को सकुशल झील से बाहर निकाल लिया। फिलहाल कछुए को नागपुर के सेमिनरी हिल्स इलाके में एक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। डॉक्टर सुदर्शन काकड़े की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। इस कछुए की लंबाई करीबन 3 से 4 फीट है और इसकी उम्र करीबन 100 साल बताई जा रही है। इस संबंध में वन रेंज अधिकारी प्रतिभा रामटेके ने बताया कि शुरुआत में हमने कछुए को झींगा, छोटी मछलियां, सब्जियां दी, लेकिन ये उन चीजों को नहीं खाता है। ये कछुआ केवल चिकन ही खाता है और कुछ भी नहीं खाता। इसका एकमात्र रवैया ये है कि अगर मैं चिकन नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रहूंगा। वन रेंज अधिकारी प्रतिभा रामटेके बताती है कि नागपुर के नाइक झील क्षेत्र में कई सार्वजनिक भोजनालय हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस कछुए को चिकन खिलाते थे, उसी से इस कछुए को चिकन खिलाया जाता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस कछुए ने चिकन के लिए एक स्वाद विकसित कर लिया होगा। मला एक लेटर आलं होतं एजन्सीकडून की नाईक त्याला स्वच्छ करायचं असल्याने तिथे स्वच्छ करत असताना एक मला मोठा कासा आढळला आहे। आपण रेस्क्यू करून आपल्या सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा, जसे सौंदर्यीकरण म्हणजे तलावाचा गाळ साफ होतो तसं सौंदर्यीकरण न करताना मला तिथे आणून सोडावं। त्याच्या लेटरनंतर मी 1-15 दिवसांनी वगैरे मी आणि माझी टीम मिळून सकाळला तिथे गेलो। मग ते पूर्ण तलावाची तपासणी केली असता तिथून कासवाला काढणे फार कठीण होते। एक दोन वेळा आम्ही स्वतः प्रयत्न केला गाळ, मग त्याच्यानंतर फायर ब्रिगेडच्या मदतीने जहाज वगैरे टाकून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो नाही मिळाला। आणि त्याच्यामध्ये अपयशी ठरलो। त्यानंतर मी त्यांना स्पेशली सूचना दिल्या होत्या की जाळं दिलं आम्ही की तुम्हाला जसे हा कासव आढळेल तर थोडं गाळ काढताना थोडी काळजी घ्या, म्हणजे जेसीबीच्या कपड्यामध्ये नाही आला पाहिजे, आणि जसं तुम्ही तुम्हाला मिळाला तसं आम्हाला कळवा, त्या नंबरवर कॉल करा। मग 16 एप्रिलला आम्हाला फोन आला की मॅडम कासव पकडलेला आहे। तसंच आम्ही 15-20 मिनिटांमध्ये नाईक तलावाच्या जवळ पोचलो आणि तिथून त्याला जप्त करण्यात आले। जप्त केल्यानंतर इथे रेस्क्यू सेंटरला आणण्यात आले, त्याच्यानंतर आल्यानंतर त्याला टाक्यामध्ये ठेवण्यात आले। त्याच्यानंतर तिथे त्याला रोज फिश आणि झिंगे, त्याला भाजी, फळे असं देण्यात आलं। मग तो काहीच खात नव्हता। मग त्याला आम्ही म्हणजे तिथले लोक सांगत होते की हा चिकन खातो, आम्ही चिकन खाऊन म्हणजे चिकन द्यायला सुरुवात केली, तर तो चिकनच खातो त्यापासून। रोज त्याला 1/2 किलो चिकन लागते, तर अशा प्रकारे त्याची काळजी घेतली जाते। आहे की म्हणजे रोज आम्ही त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करून बघितले, कधी फिश दिल्या, कधी झिंगे दिले, त्याला भाज्या दिल्या, पण तो काहीच खात नाही। एक वेळेस तो उपाशी राहतो, तो काहीच खात नाही, त्याला रोज चिकन लागते। तर तो चिकन खाऊन तंदुरुस्त आहे। डॉक्टर सुदर्शन काकडे यांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये सर त्याला चेक करतात, तो व्यवस्थित आहे आणि तंदुरुस्त आहे।